हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं इंडिया के फर्स्ट स्मार्ट जू में। जी हाँ, स्मार्ट जू। आपने जू के बारे में तो बहुत सुना होगा लेकिन कभी स्मार्ट जू के बारे में नहीं सुना होगा। तो आज हम हैं इंदौर सिटी में और आपको पता ही होगा इंदौर स्मार्ट सिटी है और इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है। सो यहाँ का जू भी स्मार्ट है। जू में अगर टूरिस्ट एक्यो नाम के ऐप को डाउनलोड करें तो वो सारे जानवरों के बारे में इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स जान सकते हैं और टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लूटूथ और IoT टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया गया है। सो इन्हीं सब टेक्नोलॉजीज को मिला के इस जू को बोला गया है द फर्स्ट स्मार्ट जू ऑफ इंडिया। आज हम जू में बहुत सारे दोस्त बनाने वाले हैं जिनमें होंगे क्यूट क्यूट से बर्ड्स, थोड़े डरावने दिखने वाले रेप्टाइल्स, सुंदर सुंदर से एनिमल और डेंजरस बिग कैट्स, वाइल्ड एनिमल्स। जू में आपको वैरायटी मिलेगी रेप्टाइल्स, मैमल, बर्ड्स, हर्बीवरस मैमल्स इंक्लूडिंग इंडियन एलिफेंट, हिप्पोपोटामस, ब्लैक बग, नील गाय, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, चिनकारा। और बात करें कार्निवरस एनिमल्स की तो आपको मिलेंगे यहाँ पे बंगाल टाइगर, एशियाटिक लायन, इंडियन लेपर्ड्स, स्ट्रिप्ड हाइनास, जंगल कैट, इंडियन वुल्फ, गोल्डन जैकल, एशियन पाम सीवेट, रेकॉन, स्लॉथ बियर और बंगाल फॉक्स। बर्ड्स की वैरायटी में बात करें तो आपको मिलेंगे व्हाइट पिकॉक, इजिप्टियन वल्चर, लव बर्ड्स, ईमूज, ऑस्ट्रिच, ब्लैक स्वान, म्यूट स्वान, डक, टर्की, आउल, सब कुछ मिलने वाला है आपको। एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्नेक हाउस भी बिल्ड किया गया है जहाँ पे वेनमस स्नेक्स इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ बिग फोर मिलेंगे आपको, जिनमें इंडियन क्रेट, रसल वाइपर, सॉस किल्ड वाइपर और इंडियन कोबरा मिलेगा आपको, और उसी के साथ बैंडन क्रेट, बैम्बू पिट वाइपर और कॉमन वाइन स्नेक भी मिलेंगे आपको। जू में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एटमॉस्फेयर बिल्ड किया गया है जहाँ पे आपको बर्ड्स को बहुत नजदीकी से जानने का मौका मिलेगा। इवन आप उन्हें अपने हाथ में रख के घूम सकते हो। विद दैट आप अपने हाथ में इग्वानास भी कैरी कर सकते हो। जी हाँ, इग्वाना आपको हाथ में रखने का भी मौका देंगे इस जू में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्यूटीफुल से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी हाइना तो कहीं छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। जब आएगा तो वापस आएंगे हाइना के पास। ये है राइनो इग्वाना। राइनो इग्वाना क्यों? क्योंकि ये राइनो की तरह दिखता है। एमूज भी बहुत सारे रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, दिख रहे 1, 2, 3, 4, 5, बाकी पीछे साइड है। सो एमूज भी काफ़ी हैं। सो मेन गेट से हमने जो टिकट ली थी वो 20 रुपये पर हेड थी। अभी एक और टिकट ले रहे हैं अंदर साइड, ये है चिड़ियाघर का टिकट। तो यहाँ पे 30 रुपये पर हेड टिकट है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये सारी चीज़ें लाइक बर्ड्स को हाथ में रखने मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप अंदर कर सकते हैं। सो ये भी एक्सपीरियंस करने जैसा है, मैंने कभी पहले किया नहीं है। सो इंदौर के जू में ट्राई करते हैं। ऑस्ट्रिच के रियल एक्स है। सो मैं जिस इग्वाना की बात कर रहा था जो आपको हाथ में देने वाले हैं, वो यही वाले इग्वाना है। सो आपको अगर कुछ डेयरिंग करना है तो आप भी इन इग्वानों को अपने हाथों में जरूर लेना। बर्ड वाले एरिया में आपको बहुत सारे वॉलेंटियर्स मिल जाएंगे। सो आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है किसी भी बर्ड को पहचानने में, या फिर आपको उसका नाम जानना हो या फिर उसकी ब्रीड जाननी हो, सो आप उन वॉलेंटियर से पूछ सकते हैं। ये टराको है, ये टराको। और ऊपर वाले मकाओ। ऊपर वाले मकाओ। ओके, और वो येलो वाला वो भी मकाओ है। ओके, ब्लू बॉय मकाओ।
इतने सारे विदेशी पक्षियों के बीच हमारे देसी इंडियन पैरट्स भी थे और वो भी बहुत ब्यूटीफुल थे। ये पूरा इन्होंने जंगल जैसा बना रखा है, उसके बीच पेड़ है और ऊपर नेट लगा रखा है ताकि पक्षी उड़े ना, और नीचे ये इनके घर है, नीचे जाली जाली जो है, जालीदार जो है, इस पे बर्ड्स बैठते घूमते फिरते खाते पीते, बस यही उनकी दुनिया है। इतनी सी इसमें तरह तरह के अलग अलग ब्रीड के बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर है आपके हाथ में बर्ड को बिठाने वाले, तो अभी हम ये ट्राई करेंगे, छोटी सी लाइन है, ये लाइन क्रॉस करके हम भी जाएंगे, वो जो मैडम जी है वो हाथ में इस तरह से बर्ड्स को बिठाएंगे। ये बच्ची की बात बिल्कुल सच थी, डर तो लग रहा था अंदर से क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े बर्ड को हाथ पे बिठाने का, बट वही है कि बच्चों की बात मुंह से बाहर आ गई और बड़े बाहर नहीं निकालते। और इनमें एक तोता ऐसा भी था जो इन मोहतरमा के हाथ से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जाओ भाई, जाना नहीं, सेलिब्रिटी हो तुम, जाओ भाई दूसरी जगह, जाओ जाओ भाई जाओ, तेरे फैंस इंतजार कर रहे हैं। वो देख, वो तेरा वीडियो बन रहा है, उधर देख, उधर देख, उधर देख, तू यूट्यूब में आने वाला है, जल्दी देख, वायरल होने वाला है। पर शायद इसे यूट्यूब पे औरों की तरह आने का बिल्कुल शौक नहीं था। सो अभी हम जा रहे हैं ये बर्ड पार्क के बाहर, अंदर बहुत सारे बर्ड हैं और ऐसा कुछ भी नहीं, आप बस हाथ दो उनके सामने और आपके हाथ पे वो चढ़ जाएंगे। पीछे भी वो जो अभी मैंने दिखाया पैरेट थोड़ी देर पहले, वो उनके हाथ से उतर ही नहीं रहा और किसी के हाथ भी नहीं जा रहा। तो अभी हम जा रहे हैं। यहाँ का गेट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, चेनों को यूज करके गेट बनाया गया था ताकि अंदर से पक्षी बाहर ना उड़ के जा सके। और अगर आप अपने खुद के अलग अलग अवतार देखने चाहते हो, जैसे मोटा पतला छोटा लंबा, तो इस फनी मिरर में जरूर जाना। बर्ड एरिया एक्सप्लोर करने के बाद हम आगे बढ़े फॉर स्नेक जोन। स्नेक जोन के लिए भी आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, उस टिकट का प्राइस है ₹5 पर हेड। सो अभी तक टोटल अगर आप टिकट का देखो तो स्टार्टिंग में गेट पे हमने लिया ₹20 का, देन बर्ड वाले एरिया के लिए हमने लिया ₹30 का, और अभी हम ले रहे हैं वापस ₹5 का टिकट। ये स्नेक जोन है जिसका टिकट मैंने आपको बताया ₹5 और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा पर हेड के लिए। स्टार्ट करते हैं किंग कोबरा। ये अपने देसी इंडियन कोबरा। Thank you.
सो अब स्नेक जोन से बाहर आ गए, अभी देखते और क्या है। यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है बहुत बड़े बड़े, ये देखें ये बड़े बड़े एलिगेटर्स आराम कर रहे पानी के बीच। और ये गया क्रोकोडाइल अपने स्विमिंग पूल में, एक यहाँ आराम कर रहा है। व्हाइट पीकॉक, सांबर डियर, ये बहुत सारे यहाँ पे। ये इनका रहने का घर, ये इनका प्लेग्राउंड। ब्लैक स्वान, ये बहुत रेयर पाए जाते हैं, अभी यहाँ पे एक दो ही दिख रहे हैं। हिप्पोटोटेमस, हिप्पोटोटेमस को देखते हैं। अरे डूब गया हिप्पोटोटेमस को, डुबकी मार दी हिप्पोटोटेमस ने। अरे नहीं नहीं देखो, बाहर ही नहीं आ रहा भाई, कितना मजा आ रहा है इसको नहाने में। ब्लैक बक, सैल्मन बॉय ने इसी को ठोका था, दिखा दो भाई, इसकी वजह से इतना बड़ा केस चल रहा है सैल्मन बॉय पे। बंदरों के लिए प्लेग्राउंड बहुत मस्त बना है, खेलो घूमो खाओ पियो इसी में, हगो मुतो मर जाओ, सब यही है, बाहर आना ही नहीं उनको। जयकाल सीआर, जो गांव में ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं कुत्ते जैसे, यहाँ पे इनकी भी डिमांड है, देखो कहीं है ही नहीं छुपे हुए। भेड़िया भाई, वुल्फ को दिया एरिया सबसे ज़्यादा, 3 BHK में रह रहा ही है अकेला, बाकी तो सब चौल में रह रहा है, ऐसा लग रहा है जगह ही नहीं बेचारों के पास, इसके पास तो जगह ही जगह। वहाँ एक बैठा हुआ है, वो एक घूम रहा है वहाँ पे, भेड़िया भी ज़्यादा दिख नहीं रहे, दो ही तीन है। आ रहा है पास में ही आ रहा है, धीरे धीरे पकड़ते हैं उसको, चलो। ये वुल्फ का भाई पेंट हाउस है पूरा, ऊपर शेड है बढ़िया, पेड़ पे चढ़ कहीं भी जा कुछ भी कर, एरिया ही एरिया है, मजे है इसके। और दो दो ही रह रहे अकेले सिर्फ, और है भी नहीं ज़्यादा। अब हम आ गए बिग कैट फैमिली, यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे, लायन टाइगर, लायन टाइगर लेपर्ड, चीता तो पाए नहीं जाते, चीता भी है पर पैंथर, ब्लैक पैंथर, व्हाइट टाइगर, व्हाइट टाइगर सब देखेंगे यहाँ पे। व्हाइट टाइगर दिख तो नहीं रहा, लिखा हुआ था, चलो ढूंढते उसको जैसे और पब्लिक ढूंढ रही है। ओ दिख गया दिख गया दिख गया, पर दूर है थोड़ा, पेड़ के नीचे आराम कर रहे हैं वहाँ पे। व्हाइट एंड ब्लैक बेवे है, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक टाइगर भी भाई गंदगी लगी होगी, नहाया नहीं होगा वो। ये आराम कर रहा है वो वहाँ पर, और बाकी एक वहाँ पर आराम कर रहा है वाइट टाइगर, थोड़े दूर है, अगर पास आएंगे तो फुटेज मिलेगा अच्छा। ये देखो खा पी के तीनों मस्त आराम कर रहे हैं छपरे के ऊपर, ये इनकी प्लेग्राउंड पानी, और उनके पीछे एक आइलैंड बना दिया है, उसके ऊपर इनको रहना है खाना है सोना है, अभी तो आराम कर रहे सारे, उठ के आए तो देखते हैं।
पास से लेंगे फुटेज फिर। अब देखेंगे जंगल के राजा को, एशियाटिक लायन, जो अपने गेयर। ये भी लग रहा है खा पी के कहीं आराम कर रहा, दिख तो नहीं रहा। पब्लिक खड़ी है वहाँ पे, जहाँ पब्लिक वहाँ माल, वहीं जाना पड़ेगा लग रहा। आ हा हा हा, ये रहे अपने भाई साहब, सो रहे। ये भी अरमान, ये भी आराम फरमा रहे, फुल रेस्ट। लायन, टाइगर, वाइट टाइगर सब सोते हुए मिले, लगता है उनको अभी सुबह बढ़िया खाना मिला, इसमें सब आराम कर रहे। देखते हैं जब तक जूम है तब तक उड़ जाए वो लोग, तो देखने मिलेंगे पास से। वैसे टाइगर बहुत बड़े वाले, सर्बियन टाइगर जैसे दिख रहे वो, बल पर है अपने बंगाल टाइगर से, बहुत तगड़े तगड़े। मैं बहुत से जू में गया हूँ बट इतने तगड़े मैंने टाइगर्स नहीं देखे, बहुत बड़े बड़े टाइगर थे। अंदर ही आपको फूड कोर्ट मिल जाएगा, थक गए तो खा लो भाई, सब कुछ है यहाँ पे, फास्ट फूड, पानी पूरी, बुड्ढी के बाल, सैंडविच, पिज्ज़ा, सब मिलेगा यहीं पे। खाओ, पियो, जानवरों को देखो, उनको परेशान मत करो और घर जाओ। कुछ भी खरीदना हो तो पहले आपको यहाँ से टोकन लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कौन सी दुकान से क्या लेना, उसके बाद आप वहाँ दुकान पे जाके वो टोकन दो और आपको वो सामान मिल जाएगा। जैसे हमने अभी एक पानी बोतल लिया, सो उसका टोकन लेने गया है दोस्त। यहाँ का एक सिस्टम मस्त है, पानी बोतल मिलेगी 30 रुपये की, बट आप अगर ये खाली बोतल रिटर्न करो तो आपको 10 रुपये वापस मिलेंगे, मतलब 20 की बोतल पड़ेगी। सो अच्छा, इसीलिए इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है। ये पानी की बोतल खत्म कर दी है, अभी कहाँ जाने देने इसको, पूछो जाके। अरे शर्माते क्यों भाई, चलो इसको देनी है भैया 10 रुपये। काउंटर पे जाओ देने के लिए, बोतल बोतल वहाँ पे देनी है, ये बीच में काउंटर है यहाँ पर। ओह, जहाँ से टोकन खरीदा वहीं वापस जाना है खाली बोतल लेके, अगर 10 रुपये चाहिए तो हम तो 10 रुपये लेंगे अपने। ये काउंटर की लाइन, ये अपना भाई जा रहा बॉटल देने। बॉटल दी और 10 रुपये कैश रिटर्न। वाह, क्लैप्स 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 क्लैप्स। लेपर्ड, सभी भाई आराम कर रहे, ये भाई भी आराम कर रहे। हमारे गजराज वो रहे, अकेला आती है पूरे एरिया में, मजे उसके, बड़ा सा घूम रहा है वो भी पीछे अभी। स्लॉथ बियर फुल मजे में, जिसके लिए फेमस आलसी, नाया नहीं यार बहुत दिन से, ऐसा लग रहा है। मच्छर घूम रहे ऊपर, मच्छर घूम रहे उसके ऊपर, नाया करो भाई नाया करो। एक भाई नीचे से चल के आ रहे और एक भाई इधर सो रहे, एक भाई उधर घूम रहे, देखते हैं रेस में कौन जीतता सबसे पहले। पूरी फैमिली एक साथ आ रही है, इसे देख लिया अपने भाई को, भाई नीचे छुप गए यहाँ पे इसके नीचे, अभी यहीं आएगा पास में, ये देख के खुश हो गया उसको, शायद अब उड़ जाए, आधे घंटे से यहीं पड़ा है ये। और वो तो कुछ उधर खोद खोद के खा रहा है, भाग भाग के आ रहा है, ये भी रुक गया, और ये भाई उधर से चलते बने। एक वहाँ पड़ा है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, कोई आए कोई जाए मैं नहीं हिलूँगा। वो अभी थोड़ी देर पहले दौड़ रहा था, अभी वो भी रेंगना चालू कर दिया। आ गया पार्टनर, अब ये भाई उठे, अब उठे, अब उठे ये भाई, अब होगा इनका सम्मेलन, अब साथ में जाएंगे कहीं। ये लग रहे, हाँ नीचे वाला भी आ रहा है खुश होके, ये भी आ रहा है, ये दोनों साथ में टायरों पे बैठेंगे लग रहा है अभी, अभी आ रहा है सेम जगह पे, ये सो जाएगा उसके अब जहाँ वो सोया हुआ था। स्लॉथ बियर
है तो गजब ये लोग, क्यूट है बहुत। अभी जा रहे दूर वो लोग, जाने देते हैं, हम भी इनसे दूर जाते हैं और दूसरे जानवरों को स्पॉट करते हैं। सबसे आलसी माना जाता है स्लॉथ बियर, वो हमको थोड़ा एक्टिव दिखा, चलते फिरते दौड़ते खुश खुश, बाकी तो सब टाइगर लायन वाइट टाइगर सब सोते हुए मिले। यही था एक एक्टिव, मगरमच्छ भी सब सो रहे थे, एलिगेटर भी सो रहे थे, सब सो रहे थे। घड़ियाल के बच्चे हैं छोटे छोटे से, कितने क्यूट है, और यही जब बड़े होंगे तो भाई किसी को जीने नहीं देंगे, ये सबको खाएंगे। अभी तो बहुत छोटे छोटे, कितने 30-20 सेंटीमीटर के ही है, छोटे छोटे से लग ही नहीं रही है रियल है। आराम कर रहे हैं मस्त, अभी इसके अंदर रहेंगे, फिर जब ये बड़े होंगे तो मे बी इनको छोड़ा जाएगा वो जहाँ पे इनके बड़े बड़े भाई लोग रह रहे थे। ये एरिया 10 फॉक्स का है, यहाँ पे अभी उनके बच्चे सो रहे हैं, बाकी जब ये भी बड़े होंगे तो वो पेंट हाउस दिखाया था ना मैंने आपको, बड़ा सा एरिया, वहाँ पे इनको भी छोड़ दिया जाएगा। अभी तो ये भी आराम कर रहे हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे सारे। ये रहे भाई लोग, बहुत सारे वैसे 4-5 दिख रहे मेरे को यहीं से, बड़े होंगे तो इनको ही बड़ा एरिया मिलेगा। अपने ईगल और आउल्स को रखा है, घूम रहे कुछ कुछ और ऊपर कुछ कुछ बैठे हुए आउल्स। आपको फोटो खींचाने तो फोटो भी खींचा सकते भाई, सीधा डॉल्फिन में बिठा देंगे, ये ईगल पे बिठा देंगे, शेर के साथ खड़ा कर देंगे। ईगल पे जा रही है बच्ची कहीं, इनको तो डायरेक्ट उनके घर में ही डाल दिया, पानियों में ही। और भी ऐसे ही नमूने भाई, इंडियन आर्टिस्ट सैल्यूट। ये देख रहे हो, एक ही जंगल में लायन भी है, टाइगर भी है और पोलर बियर भी है, ये भाई को तो डायनासोर के साथ खड़ा कर दिया है भाई, मस्त है, सही है। ये है इजिप्टियन वल्चर भाई, इजिप्ट से लाए इसको, है मस्त पर, वाइट कलर के सारे वल्चर, द किंग ऑफ स्काई। तरसू में ये माई बाइक भी चलती है, सो आप अगर थक जाओ तो इनका भी यूज़ कर सकते हो। बाकी एक इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आती है जो आपको पूरा जू घुमा देगी वैसा, बाकी पैदल घूमो, ज़्यादा मज़ा है पैदल में, सब कुछ देखो एक्सप्लोर करो। संडे का दिन है, अब लोग भी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे शाम हो रही है पब्लिक बढ़ रही धीरे धीरे। हमारा हो गया पूरा, ये था वो पक्षी वाला घर जहाँ से हम अंदर गए थे और वो बर्ड्स वर्ड्स को हाथ में रखा था। बाकी हम लगभग चलते चलते आ गए अब जू के एंट्रेंस पे, बाहर निकलते हैं यहाँ से। सो एग्जिट गेट आ गया, एग्जिट कर रहे हैं हम अब, जाते घर थोड़ा रेस्ट करके, देन निकलेंगे अपने अपने घर के लिए। अब 3 दिन से थे हम इंदौर, जहाँ से हम गए ओमकारेश्वर, देन कल उज्जैन गए थे महाकालेश्वर, और नाइट लाइफ देखी इंदौर की, और आज जू में घूमने आए। जू में हमने देखा क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, रेप्टाइल्स, स्नेक्स बहुत अच्छे अच्छे थे, उनके बहुत अच्छे से हुए, पास से क्लोजअप लुक मिला था। बाकी जो बिग कैट्स थे वो आराम कर रहे थे, उनको मे बी हाल ही में खाना दिया था तो रेस्ट कर रहे थे फुल वो लोग। और फिर आगे हमने देखा स्लॉथ बियर, मस्त था वो, घूम रहा था अच्छे से देखा, और लेपर्ड भी आराम ही कर रहा था। तो यही कुछ हाल था जू का, पर जू है बहुत बढ़िया, आप अगर इंदौर घूमने आओ तो ज़रूर जू में आना, देखने लायक जानवर मिलेंगे आपको अच्छे अच्छे बढ़िया। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, होप आपको वीडियो पसंद आई हो, आई हो क्या, आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगला वीडियो तो बिल्कुल ही मिस मत कीजिएगा, क्योंकि हम जा रहे हैं इंदौर की नाइट लाइफ जो कि फूड के लिए फेमस है सराफा बाजार में।